के कटासराज की यात्रा पूरी कर लौटे उप्पल दंपत्ति। संपूर्ण भारत एवं अन्य देशों की यात्रा कर चुके गुना के विजय उप्पल वर्तमान में कटासराज यानी चक्रवाल एवं गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब लाहौर पाकिस्तान की यात्रा कर भारत लौटे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पंजाब के उत्तरी भाग में नामक कोट पर्वत श्रृंखला से 50 किलोमीटर दूर कटासराज मंदिर स्थित है, जहां पर दर्शन कर पवित्र कुंड में स्नान भी किया। कटास कुंज के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं से बना था एवं जब पार्वती माता सती हुई थी उस समय काफी दुखी हो गए थे भगवान शिव, जिनके इतने आंसू गिरे कि यहां पर एक कुंड भर गया, तभी से इस कुंड का नाम कटास कुंज कहलाने लगा। उन्होंने अपनी यात्रा की सुंदर अनुभूतियां भी सभी के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी गई। मैं यहां से 9 तारीख को हम लोग अमृतसर से बाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान गए थे। हम लोगों का 112 लोगों का जत्था था, जो कि 12 स्टेट से लोग आए हुए थे भारत के विभिन्न प्रांतों से, जिसमें गुना से हम दोनों पति पत्नी थे। वहाँ बॉर्डर पार करने के बाद हमको वहाँ का वक्फ बोर्ड जो था उसने हमारी अगुवाई की और सारे इंतजाम भी उसी के थे। उन्होंने वहाँ हमारा बॉर्डर पे बहुत अच्छा स्वागत किया पूरे जत्थे का। सारे खान पान की व्यवस्था उनकी थी, सारे ठहरने की व्यवस्थाएँ उनकी थी, सारे घुमाने की व्यवस्थाएँ उनकी थी। हमको बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा हमको। हमको ऐसा नहीं लगा कि हम दूसरे देश में आए। यात्री हूँ ना, जो जैसे हमारा हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, वहाँ जाने से अलग ही अनुभूति होती है। मैं उस बात का कोई शक जो हमारे राजनीतिक परीक्षक वो है वो खराब है। वो नहीं कहता कि हमारा देश अच्छे से सर सब जो और आज विश्व, ये हम कहते ही हैं कि विश्व में हमारा बहुत नाम है। विश्व में जितनी मैं बताता हूँ आपको बढ़िया लेटेस्ट देता। हम लोग जब रवाना हुए अमृतसर में, हमारे ग्रुप को सबको ये समझाया गया कि सब लोग थोड़ा सा सभ्यता से रहना, वहाँ जैसे खाने पीने में ठहरने की व्यवस्था होगी सबको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा ये दिखाना कि हम लोग भारत से आए और सभ्य लोग हैं। चार जगह उन्होंने स्पेशल भोज रखे थे, ये स्थिति थी, लाइन बनाने का तो काम ही नहीं है, प्लेटों पे ऐसे टूटे हैं और मतलब जैसे प्लेट में अब जगह भी नहीं है, तो अगर उनका बच्चा चलता तो पलट के रख लेते और आधा आधा खाना छोड़ो। ये वो ही नहीं देखा मैंने, जुलूस निकलता है उसमें देखा ना, तुझे क्या लोग जगह जगह स्वागत करते हैं। हाँ देखो आप दो दो तीन तीन उठाई और थैलियों में भरे और ये और वो आगे ऐसे भीड़ लूटा पाटता, ऐसा नहीं, कोई कमी नहीं है किसी को, एक नेचर सा बन गया। अच्छा दूसरी एक चीज और है, कई घटनाएं भी ऐसी घटी हमारे यहाँ जो विदेशों की यात्रा पर गए, या तो उन्होंने चोरी की, अच्छे अच्छे परिवार वालों ने वो पकड़ के बंद भी हो गए, वो कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या नियत है, क्या नियत है उसमें केवल एक आदमी पेड़ भर रहा था, उसका कारण क्या था, उसके आगे पत्थर रखा हुआ था, बाकी सब ऐसे रहते हैं कि सूर्य संदिग्ध होता है। हाँ वही बोलो तो मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया